मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की और सभी को बधाई दी। वीडी शर्मा की टीम के पदभार ग्रहण समारोह में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष कल सिंह भावर ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासियों की परंपरागत वेशभूषा पहनाई और तीर कमान सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीर से प्रदेश की जनता की रक्षा करेंगे और माफिया को जमीन में गाड़ देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम ने आज पदभार ग्रहण किया। इसके लिए बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व मोर्चा के अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों में पीढ़ी परिवर्तन होता है। वीडी शर्मा की टीम इसका उदाहरण है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी की जोश और उमंग से भरी हुई टीम है तो दूसरी तरफ कमलनाथ दिग्गी की घिसी पिटी टीम है। समारोह में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष कल सिंह भाबर ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासियों की परंपरागत वेशभूषा पहनाई और तीर कमान सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीर से प्रदेश की जनता की हुई रक्षा करेंगे और माफिया को जमीन में गाड़ देंगे। हम सवा साल के वनवास के बाद सरकार में आए हैं, यह सरकार जनता की है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पद से नहीं अपने काम और मेहनत से बनता है। उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि आपके आचार विचार कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श होंगे। सुशासन हमारे लिए एक नारा नहीं है, बल्कि चरित्र है और संदेश है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों को प्रदेश की धरती से उखाड़ फेंकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुहास जी, हितानंद जी, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ ये टीम है जो जोश और उत्साह से भरी हुई है, और सबके मन में ये भाव है कि निर्देश मिल जाए बस, किसको क्या करना है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सही बात है ना? सही है ना? एक तरफ ये टीम और दूसरी तरफ घिसी पटी रिजेक्ट दादा कमलनाथ दिग्गी राजा। ये पार्टियों का बुनियादी अंतर है। एक तरफ वो जो प्रदेशी के प्रदेश की बर्बादी के जवाबदार हैं, जिनसे पद छोड़े नहीं जाते, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर जो अंत्योदय माननीय दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, जिसके लिए हमारी सरकारें दिन रात एक करके काम कर रही हैं, गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब लोग उस विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो टट्टा भील से लेकर के उन लोगों ने, जिन लोगों ने देश के लिए समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उन लोगों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देश के अंदर कई ताकतें, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबिया, चंबल क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें इन कामों में लगी हैं कि समाज को कैसे तोड़ा जाए। तो मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 28 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में कह रहे थे, मेरा टारगेट, अपना टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।